तो यहाँ से शुरू होता है वो लाटागुड़ी फॉरेस्ट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता भी सुपर है, ये सामने जितना रास्ता है पूरा सुपर रास्ता, वेल मेंटेन्ड। एक्चुअली मैं कभी कभी इधर आ ही जाता हूँ। यहाँ पे वेदर ही कुछ अलग टाइप का है, आप देख ही सकते हैं दोनों तरफ पूरा ठंडा ठंडा रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी जानवर बाहर जंगल से अंदर बाहर कर सकते हैं, मतलब रोड पे आ सकते हैं। वो जो लोग जाते हैं इधर से बाइक से या फिर गाड़ी से, वो लोग पैटक करते हैं, ज़्यादातर हाथी होते हैं। से चालसा है 17 किलोमीटर, तो मुझे पहले चालसा जाना है, चालसा से मैं वो घर का रास्ता पकड़ लूँगा। देख ही सकते हैं अब वेदर ऑलरेडी ठंडा हो गया है। इधर देखिए पूरा जंगल ही जंगल है दोनों तरफ, रोड कितना मक्खन जैसा है। ये देखिए पानी जमा हुआ है, इधर पानी पीने के लिए आता है। गाड़ी बहुत ही कम जाता है यहाँ से, रोड देखिए कितना अच्छा है। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन था, अब देख ही चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे है कॉरिडोर जैसा, वहाँ से जानवर ज़्यादा निकलते हैं बाहर, तो वहाँ पे ना वो जो ड्रम होता है मेटल का बना हुआ, टीन का बना हुआ डब्बा, वो रख देते रास्ते के ऊपर। टर्निंग बहुत शार्प है इधर का, टर्निंग के टाइम में थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। अदरवाइज आप चला सकते हो अपना मन मर्जी से, कोई कोई तो इधर टॉप स्पीड में चलाता है, जैसे छपरी बॉयज होते हैं वो लोग टॉप स्पीड में चलाते हैं। टाइम तो पूरा फट के हाथ में आ जाती है। एक्चुअली लाइटिंग प्रॉपर है तो उसमें इतना इशू नहीं होता है, दिन के टाइम में शाम होते ही यहाँ पे लाइट कम हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। और दूसरा भी रास्ता है जंगल के अंदर से, उसमें क्या है पूरा जो पेड़ है, पेड़ का ब्रांचेस है वो रास्ते के ऊपर आ गया है, तो पूरा शेड जैसा बना देता है, मतलब टनल जैसा लगता है देखने में, टनल जैसा पेड़ से बना हुआ टनल। तो उसमें क्या होता है लाइट ठीक से पहुंचता ही नहीं है रास्ते में। एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लेपर्ड अटैक किया था एक आदमी को, वो भी बाइक से ही जा रहा था। एक्चुअली देखिए थोड़ा देर पहले जो मैं बोल रहा था आप लोग को इसी डब्बे सब के बारे में, ये कॉरिडोर है एक टाइप का, यहाँ से यहाँ इस तरफ से इस तरफ हाथी पार होते हैं, हाथी हो गया फिर और दूसरा कुछ जानवर वगैरह। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट छोड़ के
नॉर्मल जो काम में जाते हैं वही जाते हैं, नॉर्मल पीपल इधर ये रास्ते से ट्रैवल नहीं करते ज़्यादातर। पहले से ऑब्वियसली रिस्क कम हो गया है अभी, लेकिन रिस्क तो है। वो देखिए फिर से कॉरिडोर के पास, यहाँ पे एक मंदिर है महाकाल मंदिर, यहाँ पे एक्चुअली पूजा होता है, तो बहुत कोई यहाँ पे आते हैं पूजा वूजा करने के लिए। बाकी राइडर्स लोग यहाँ पे आते हैं, वो फिर से कॉरिडोर। एक्चुअली यहाँ पे टर्निंग में संभाल के वो चलाना होता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धीरे कोई गाड़ी चलता ही नहीं है। एक्चुअली दो टाइप का हाथी दिखाई देता है, एक दांत वाला एक बिना दांत वाला। जो दांत वाला होता है उनसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, और बिना दांत वाला जो होता है वो ज़्यादा हार्म नहीं करते। देखिए यहाँ पे टर्निंग में पता ही नहीं चलता है टर्निंग से गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। यहाँ पे क्रॉस कर लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे है वो राइनोसरस का कॉरिडोर, राइनोसरस यहाँ से क्रॉस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट डीप है, आप देख ही सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डीप है फॉरेस्ट। ये गोरुमारा रिजर्व फॉरेस्ट का साइनेज लगा हुआ है। फॉरेस्ट खत्म, अब यहाँ से जो गोरुमारा फॉरेस्ट है वो चालू होता है। एक्चुअली वो जो पीछे वाला फॉरेस्ट था वो ज़्यादा डीप था, गोरुमारा फॉरेस्ट थोड़ा सा लाइट है, डेंसिटी कम है उसका, लेकिन गोरुमारा फॉरेस्ट में रिस्क ज़्यादा है। दोनों तरफ चाय बागान आप लोग देख ही सकते हो, चाय बागान और बागान। टर्निंग में देख सकते हैं
वैसे मैं रेनकोट तो लेके आया हूँ। फॉर द एक्स्ट्रा सेफ्टी मुझे, मैं एक्चुअली बारिश में राइड करना पसंद नहीं करता हूँ, मानसून में राइड करना हमको बहुत ख़राब लगता है। रास्ता तो अभी तक सुपर था, अभी भी सुपर ही है, इस तरफ है पूरा जंगल। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगता है, मैं जितना जितना दिन आता हूँ यहाँ पे जाम रहता ही रहता है। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक और लॉटरी का दुकान साथ में है। व्हाट द फक, अरे यहाँ पे सिग्नल हमेशा डिस्टर्ब करता है वो लोग, ठीक है। और अगर सिग्नल आप तोड़ोगे तो फाइन देने में 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। मैं चल पड़ा चालसा से बीरपड़ा के तरफ, बीरपड़ा अभी 50 किलोमीटर। पता नहीं क्यों बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिगर आउट करना है। नो इशू, चल तो रहा है। एक्चुअली हमको लगता है वो जो 4-5 हज़ार, 4.5 से 5 के बीच में जो RPM है उसमें ज़्यादा वाइब्रेट करता है बाइक नहीं, या फिर ये जो एयर फ्लो है, हवा जो चल रहा है वो मेरा उल्टा तरफ चल रहा है। পাহাড়, নদী, এত সুন্দর রাস্তা, ব্রিজ, জাস্ট ওয়াও। সি খরস্রোতা নদীও দেখিয়ে দিলাম আমি, আর কি দেখতে চাও? গাছের পাতাগুলো কালার দেখো, এটা কালার গ্রেডিং করতে হয় না গুরু, এখানে এখানে অলরেডি কালার গ্রেড করে রেখে দেয় নেচার। See the road and the view, man. Superb. Accident prone. Jai ho. Khub sundor rasta diye giye chalchi amra. Darun sundor rasta, darun sundor weather. কি মজাটাই না লাগছে এখানে না আসলে ওখানে বুঝতেই পারবে না। ও thank you.
का सीनिंग ध्रुव। भिन्नागुड़ी के उधर एक आर्मी कैंप है, वो लोग वही जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा सुपर रोड। बिना मतलब का स्लो किया है मदद से। Thank you.
ऐसा टोल बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। वाह, आसमान का कलर देख रहे हो, स्काई का कलर, यह तो सुंदर कलर था, मनटा जुड़ी जाच्छे एकेबारे। আর এদিকে শেয়াল মাছটা বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে, ওনাকে এখন এই সময়টা বিয়ে করতে কে বললো? হ্যাঁ, আমি বাড়ি পৌঁছে যাই, তারপর বিয়ে কর, তাহলে রোদেও থাকবে বৃষ্টিও থাকবে। ও মাই গড, এখানে তো রাস্তা ভেজা, তার মানে সামনে ভালোই বৃষ্টি। ये जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये प्योर नेचुरल कलर है, इसमें मैं कुछ कलर ग्रेडिंग नहीं किया हूँ, ठीक है। ये जो रोड में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, रोड का जो रिफ्लेक्शन है वो स्काई का, वो भी ओरिजिनल है, क्योंकि रोड भीगा हुआ है और स्काई का ब्लू कलर पूरा रोड में पड़ रहा है, तो रोड पूरा ब्लू दिख रहा है। जो सुपरमैन, नो सुपरमैन नहीं, सुपर कमा मैन, एवरीथिंग इज फाइन। पानी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है। इतना चलता है, ज़्यादा बारिश आ जाएगा तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना होगा। वैसे भी थोड़ा देर बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद ही कर दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे वो ज़्यादा गाड़ी ट्रैफिक भी होंगे और देखने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। इसलिए मैं थोड़ा देर बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा। अरे बारिश का बूंदे कहाँ से गिर रहे हैं मुझे तो पता नहीं चल रहा है, ऊपर नीला आसमान। ठीक है ठीक है, बारिश तो बहुत ज़्यादा होने लगा अभी, मुझे लगता है मैं भीग जाऊँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ये है क्लाउड से नीचे से मुझे बाहर निकलना ही होगा।
है।